जो कि
वो भी आज आगे आप देख रहे हैं संबोधित कर रहे हैं। सभी ट्रक संगठन के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। I'm sorry.
व्यवस्था आपकी यहाँ होगी, हमें यहाँ से जब तक नहीं उठना है जब तक ये लोग गद्दी ना छोड़ दें। क्या ये लोग ये कहते कि हमें किसानों की आवश्यकता नहीं है? दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह ये बात भी अगर कह देना आजादी दिलाई है, हमारे देश के नौजवानों ने शहादतें देके हमें कंपनी राज से मुक्ति दिलाई है, हम इतनी आसानी से इस देश को बिकने नहीं देंगे, हम इतनी आसानी से इस देश को फिर गुलाम नहीं होने देंगे, और इन साजिश करने वालों के इनके भी पर्दाफाश करेंगे, इनसे भी निपटेंगे और सरकार से भी निपटेंगे। हमारा आंदोलन सड़क से चलेगा और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हम इस घमंडी सरकार का घमंड नहीं तोड़ देते, लेकिन हम अनुशासन के अंदर रहकर इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि देश का जो किसान है वो किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करता है। आज हजारों की संख्या में किसान आए, एक भी किसान ने आके कोई गड़बड़ नहीं की, लेकिन चंद लोगों ने आके इस आंदोलन को कमजोर करने का काम किया। उनके आंदोलन ने जो साजिशें रची वो सारों ने देख ली, और उनकी साजिशों के बावजूद यहाँ पे पड़ाव लग गया है, यहाँ पे मोर्चा लग गया है, और ये मोर्चा फतेह करेंगे और हर हाल में फतेह करेंगे, क्योंकि हम अपने गुरुओं को मानते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमारे देश के लाखों नौजवानों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी है, हम उनको शहादतों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लड़ेंगे और सड़क से लड़ेंगे, हमारा आंदोलन सड़क से चलेगा। या कल दिल में भी हजारों लोग आएंगे देख लेना, और ये जो लोग जिस तरीके से शरारत कर रहे हैं प्रशासन को, हम कह देते हैं ये हमारे आंदोलन के लोग नहीं है, ये कौन लोग है हम नहीं जानते, प्रशासन इनसे जैसे चाहे मर्जी निपटे, ये कोई हरकत करते हैं तो उसके जिम्मेवार ये खुद होंगे, किसान इसका जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करते हैं, कहना चाहते हैं, रात को यही रुकना है, जाना नहीं है। लंगर की व्यवस्था हो गई है आपके लिए, हर एक चीज की व्यवस्था, अपने गांव से जो है गुरु घरों से यहाँ पे लंगर आ रहे हैं, क्योंकि गुरुओं ने हमें सिखाया है सेवा करना, हम सेवा करने वाले हैं। और आज गांव-गांव से, गुरु घर से सारे हमारे किसान भाई लंगर लेके आ रहे हैं। दिन में हम सेवा कर रहे थे, हमारे साथी जो है वो पानी पिला रहे हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई व्यवस्था कर रहा है, कोई खाना खिला रहा है। अरे हम तो वो लोग हैं जो भूखे को खाना देने वाले हैं, हम तो भूखे का पेट भरने वाले हैं, प्यासे को पानी पिलाने वाले हैं। हमारे तो बहुत से गुरुओं ने चाहे वो लोग हुए आंदोलन के अंदर दुश्मन को भी जाके पानी पिलाने का काम किया है। हम लड़ने वाले लोग नहीं है, हम सिरसा के अंदर ये मिसाल कायम करेंगे कि सिरसा का ही किसान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो है वो एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन लड़ेगा। आज जिस तरीके से इस आंदोलन को कुचलने की जो कोशिशें की गई थी, उन्होंने सोचा एक बार भगदड़ करवा देते हैं, बीच में आके पत्थर फेंक देते हैं और यहाँ भगदड़ मच जाएगी और लोग भाग जाएंगे, लेकिन ये फैसला करे कि इन्हें कुर्सी चाहिए या किसान चाहिए। एक साथी मेरे को कह रहा था कल, बोला जी सरकार तो है खट्टर की या मोदी की, आप इस्तीफा दुष्यंत से क्यों मांग रहे हो? अरे हमने इसलिए इनसे इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं। बोला दुष्यंत जे और रणजीत सिंह जे इस्तीफा दे भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है बहुत बड़ा, गद्दी हिल जाएगी। जैसे पंजाब के बादल परिवार ने इनसे समर्थन लिया, आज हरियाणा वाला ले लो, कल राजस्थान वाले ले लेंगे, परसों दिल्ली वाले ले लेंगे, यानी इसका असर जाएगा। सारे नेताओं में खलबली मची हुई है आज के दिन। आज जितने भी नेता हैं देश के और आपका ये सिस्टम देख रहे हैं, उनमें सब में खलबली मची हुई है कि ये जो किसान है ये अगर इस प्रकार से इस्तीफे मांगने लग गए तो तुम्हारा वजूद बचना मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि आप बेशक संख्या में लोग कम हो, अगर अनुशासन में है ना, अनुशासन में अपने नेताओं की बात मानते हैं, आपके 17 संगठनों के जो नेता है आप उनके इशारे पर काम करते हो, उनसे आप मिलते हो, उनकी बातों को अगर मानते हो, तो 50 आदमी भी अगर अनुशासित है तो वो बड़ा आंदोलन जीत सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह की वो बात याद करो, सोनिया।
अगर अनुशासन में आप लोग लड़ाई लड़ोगे, दुष्यंत चौटाला तो क्या और रणजीत सिंह क्या, हरियाणा प्रदेश के हर विधायक को चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो सारे इस्तीफे दे देंगे, आपकी जेब में डाल देंगे और आपका सौंप देंगे इस्तीफा कि हम इस्तीफा देते हैं। इस्तीफे का मतलब सरकार को गिराना, ये हमारा दे नहीं है, हमारा दे है विरोध करना। ये तो तीन कानून आए हैं, हम ये मानते हैं अभय सिंह चौटाला एक ही विधायक है ना उसकी पार्टी का, अगर वो विधायक भी इस्तीफा देता है तो हम ये मानते हैं कि वो